खंडवा में विजय दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय गौरीकुंड सभागृह में मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री एवं खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शामिल शहीदों के परिजन तथा युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन प्रभारी मंत्री सिलावट द्वारा किया गया। इसमें कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल एवं SP डॉक्टर शिव दयाल सिंह एवं समस्त पुलिस एवं समस्त विभाग कर्मचारी उपस्थित रहे। न्यूज इंडिया N9 खंडवा से ब्यूरो फरीद मंसूरी की रिपोर्ट। सुरक्षित रहता है, उन जवानों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उन शहीदों को, उन माँ को, उन बहनों को, उन बच्चों को भी उनके चरणों में नमन, जिनके कारण हम आज विजय दिवस मना रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ और आप सबको विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। आप जानते हैं जो मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हमारा अन्न चला है, हमारा किसान है, हमारा मध्य प्रदेश 70% कृषि प्रधान देश है। हमने जो एक कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में, सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में, अरुण यादव जी के नेतृत्व में, कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में और सबसे ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में एक वर्ष पूर्व 11 दिसंबर को जो संघर्ष इस सरकार के खिलाफ हुआ था, मैं जो सरकार हम मंत्री और विधायक बने हैं, सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कारण सम्माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की SSC मुख्यमंत्री भागवत संभाल रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा कि हमने कर्ज मुक्ति का वादा किया था, प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 20 लाख किसानों का कर्ज माफ हमने किया, फिर से द्वितीय चरण में जो अभी 50,000 तक के माफ किए थे अब 1,00,000 तक के माफ कर रहे हैं। 12.5 लाख किसानों का कर्ज द्वितीय चरण में हम माफ करने जा रहे हैं। आपको पता है कि अतिवृष्टि होने के कारण थोड़ा विलम्ब है, क्योंकि अतिवृष्टि भी सोयाबीन, कपास, मक्का, उड़द सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद हमने दूसरा वादा किया था अन्नदाताओं की बिजली के बिल आप 7,000 लगते थे उसके 3.5 के हमारे जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि समाज का विकास, समाज की प्रगति तभी संभव जो समाज का अंतिम व्यक्ति